रहमान रहीम। मैं पहले तो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और कैमरामैन जो साफ़ी हजरात हैं, आपको बार बार तकलीफ दे रहे हैं, उसके लिए माजरत चाहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं कवरेज के लिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस तरह के आपको अंदाज़ा है कि पिछले 15 दिन से मुसलसल जो है वो पाक सज़मीन पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। आज जो है वो हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, ये गुलशन इकबाल से MNA हैं, ये भी भादराबाद की राबता कमेटी के मेम्बर भी हैं और APMSO के ज़माने से, फिर MQM के ज़माने से हमारे जो बेहतरीन साथियों में जिनका शुमार होता था उनमें से मुजम्मिल कुरैशी हैं और गुलशन इकबाल से MNA हैं। इनके साथ जो है वो रेहान रईस हैं जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं ईस्ट के, पहले अवामी शिकायत सेल के मरकजी अहदेदार थे, मोहम्मद फराद हैं जो जॉइंट इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट कमेटी ईस्ट के, अहमद रज़ा हैं जो साबिक जॉइंट KMOC के हैं और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं गुलशन इकबाल से ईस्ट के, मोहम्मद आरिफ हैं रुकन है मरकजी इलेक्शन सेल भादराबाद से और नदीम कमाल हैं मौजूदा रुकन है इलेक्शन सेल भादराबाद के, रेहान शमीम भाई हैं साबिक इंचार्ज हैं गुलशन रेजिडेंस कमेटी के, फरहान अंसारी हैं मौजूदा इंचार्ज हैं गुलशन रेजिडेंस कमेटी के, उबैद फारूकी हैं साबिक सेक्टर मेंबर हैं और मौजूदा जॉइंट इंचार्ज हैं ये गुलशन रेजिडेंस कमेटी के, आदिल खान हैं मौजूदा टाउन मेंबर हैं गुलशन इकबाल के, आसिफ शेख भाई हैं मौजूदा टाउन मेंबर गुलशन इकबाल के, खुर्रम मेराज है साबिक मेंबर यूनिट कमेटी गुलशन सेक्टर के, जहाँजेब हैं कमेटी मेंबर, ज़ियाद भाई हैं, फरहान भाई हैं, तहा मोहम्मद आरिफ भाई हैं। आज ये तकरीबन जो है वो 15 से ज़्यादा साथी हैं जो PIB और भादराबाद के मरकज़ी शोबाजात और दीगर शोबों में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे और फिर मुजम्मिल भाई हैं। मैंने सबको पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, मुस्तफा भाई की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से इन्हें खुश आमदेद कहता हूँ। और चंद चीज़ें हैं जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है। हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग जब आते हैं तो हमेशा की तरह वो कहते हैं इनके ऊपर प्रेशर है। मैं इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुजम्मिल भाई आपसे बात करेंगे। प्रेशर के बजाय ये क्यों नहीं सोचते कि 5 फरवरी के बाद आप क्या करते रहे हैं, आप मीडिया में क्या गुफ्तगू करते रहे हैं, आप 30-35 साल से किसी पार्टी में काम कर रहे थे, आप कन्वेनरशिप के लिए और सेनेट की सीट के लिए क्या क्या गुफ्तगू करते रहे हैं, क्या आपकी लड़ाई किसी अवामी मसाइल पर थी, आपकी लड़ाई कराची के कचरा उठाने पे थी, आपकी लड़ाई किसी पार्क बनाने पे थी, नहीं थी आपकी लड़ाई। ये जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी जिम्मेदारान हैं, ये सब इसलिए मायूस होकर आ रहे हैं कि आप अपने योम तासीस पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं लेकिन योम तासीस पर आप कराची वालों को और खसूसन महाजरों को कोई ऐसा लाहे अमल नहीं दे रहे जिससे उन्हें अपना मुस्तकबिल नज़र आए। ये तमाम साथी मैं आपके तवस्सुत से फारूक भाई को और खालिद भाई को कहता हूँ, ये कहीं और नहीं जा रहे, ये अपने भाइयों के पास आ रहे हैं, उन भाइयों के पास आ रहे हैं जिनके पास एक रोड मैप है, उन्हें पता है कि कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए और पाकिस्तान वालों के लिए क्या करना है। तो एक तो इस बात को खुदारा बंद कीजिए कि ये किसी के कहने पर आ रहे हैं, बल्कि अपनी चीज़ें दुरुस्त कीजिए। मैं आपके ज़रिए फिर फारूक भाई को और खालिद भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस लड़ाई को बंद कीजिए। मैं अपनी तरफ से, मुस्तफा भाई की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपको खुले दिल से दावत देता हूं, आइए बैठिए, आइए इलेक्शन करीब है, आइए बैठिए, हमसे बातचीत कीजिए, पाक सरजमीन पार्टी में आइए और मिलकर इस कराची की खिदमत करते हैं और इस लड़ाई को ख़त्म कीजिए। इस लड़ाई से कराची वालों का बड़ा मजाक उड़ा है। मैं दोबारा आपके ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ फारूक भाई से भी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी कि आएँ, पाक सरजमीन पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आकर हमसे बात कीजिए और ऐसे कोई लाए अमल बनाएं जिससे कराची वाले मुतमईन हो सकें। एक तो ये गुफ्तगू मैं आपके ज़रिए उनको दावत देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं KSC के हवाले से जो इस वक्त लोड शेडिंग 6-6 घंटे की जारी है, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आप गैस का बुनियाद बनाकर कराची वालों को इस गर्मी में 6-6 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए तंबी कर रहा हूँ KSC को कि अपना किबला दुरुस्त करें, वरना हम अवामी एहतजाज करेंगे आपके ख़िलाफ़ और कराची वालों को आपके रहम व करम पे नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपके ज़रिए KSC वालों को वार्निंग दे रहा हूँ कि अपना किबला दुरुस्त करें और KLT वाले उनको अपना किबला दुरुस्त करें और अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, वरना फिर हम अवामी एहतजाज करेंगे आपके ख़िलाफ़। दूसरा, मैं आपके ज़रिए जो पंजाब में जिशान भट्ट सहाफ़ी के साथ जो वाक़िया हुआ है, पाक सरजमीन पार्टी उसकी
شدید مذمت کرتی ہے قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں سیاسی لوگ انوالو ہیں انہیں سزا دینی چاہیے ان کو دہشت گردی کوڈ کے ذریعے ان کے اوپر مقدمہ دائر ہونا چاہیے آپ نے کل دیکھا ہوگا ہم نے حلقہ بندی پہ اعتراضات داخل کیے ہیں ہماری طرف سے ارشد وورا آصف حسنین ڈاکٹر فوزیہ اور ہمارے مبین قاضی نے کل پاک سرزمین پارٹی نے حلقہ بندی پہ اعتراضات کیے ہیں حلقہ بندی پر پاک سرزمین پارٹی کا واضح موقف ہے کہ ہم پہلے مردم شماری کو مسترد کر چکے ہیں اور مردم شماری کو مسترد کرتے ہوئے موجودہ حلقہ بندی کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ملتوی ہوں فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں جس کی وجہ سے لوگوں کی یہ شکایت پورے پاکستان بھر سے لوگ چلا رہے ہیں اس پر تو فوری طور پر ہم ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے الیکشن بھی ملتوی نہ ہو اور درست حلقہ بندیاں ہوں اسی طرح جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے جس طرح انڈین فورس وہاں کے بے گناہ لوگوں کو قتل عام کر رہی ہے میں جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں میں ان سے کہتا ہوں خدا را اب تو آپ نے کافی چار سال کے دوران آپ تنخواہ لیتے رہے ہیں لیکن کشمیر کے لیے آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے فوری طور پر موجودہ حکومت کو وفاقی حکومت کو چاہیے ایک کوئی فورس بنائیں جو انٹرنیشنلی طور پر کشمیر کے مقدمے کو اقوام متحدہ میں بھی لڑے اور دنیا بھر میں جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو بھارتی فوج ظلم کر رہی ہے اس کے خلاف اقدامات کرائیں اور جو 6 اپریل کو دن منایا جا رہا ہے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم کشمیریوں سے وہ دن منائیں اور دنیا بھر کو بتائیں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں پاک سرزمین پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے نادرا کے حوالے سے بڑی شکایتیں ہیں ہمارے پاس میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی میں بسنے والے لوگوں کے شناختی کارڈ میں ان کو بڑی دشواریاں ہیں الیکشن قریب ہے اس لیے فوری ایسے اقدامات کیے جائے نادرا سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس مشکل میں ان کی آسانیاں پیدا کریں میں مزمل بھائی کو اور جو دیگر ہماری جو بھائی آئے ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے ذمہ داریوں پہ رہے ہیں ڈیفینیٹ مزمل بھائی کا ایک ایم این اے کی حیثیت سے اپنا ایک مقام ہے لیکن جو میرے دیگر بھائی میرے ساتھ آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایم کیو ایم میں بھی اور موجودہ جو ایم کیو ایم پی آئی بھی بہادر آباد میں اہم رول ادا کر رہے تھے اور میں امید رکھوں گا اب یہ سب ہمارے ساتھ مل کر اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں گے میں مزمل بھائی سے گزارش کروں گا کہ چند الفاظ آپ سے سب پہلی بات تو میں یہ کلیئر کروں کہ یہاں پر ہم کس طرح آئے اور ہمیں کون لایا یہاں جتنے بھی لوگ مجھ سمیت جتنے بھی یہاں پر ابھی سب سینئر ساتھی موجود ہیں ان میں سے کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے ان میں سے کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا یا کوئی کسی قسم کا اسکینڈل موجود نہیں ہے تو پریشر کی بات بنتی نہیں ہے تو یہ بات تو اسی طرح پہ ہم ضائع کر دیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ تمام کے تمام اردو بولنے والے مہاجر لوگ ہیں اور یہاں پر یہ دیکھتے ہوئے کہ اب مہاجروں کو کس طرف جانا چاہیے اور مہاجروں کے مسائل بشمول تمام قومیتوں کو وہ کون سی ایسی پارٹی ہے جو حل کر سکتی ہے یہ 3-4 پوائنٹ تھے جس کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کرا کہ ہم یہاں پر آئے ایک میری آپ سے اور گزارش ہے میڈیا سے خاص طور پر کہ ابھی کل سے اور صبح سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ ایک اور پتنگ کٹ گئی یا ایک اور وکٹ گر گئی میرے معزز صحافی بھائیوں نہ تو ہم کوئی پتنگ ہیں جو کٹیں گے نہ کوئی ہم وکٹ ہیں ہم جیتے جاگتے انسان ہیں پولیٹیکل ورکر ہیں ہمیں نہ کوئی کاٹ سکتا ہے نہ کوئی گرا سکتا ہے ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے بھی ہوں گے یہاں پر پی ایس پی کے ساتھ اڑیں گے بھی اور انشاءاللہ تیریں گے بھی تو یہ ہمارا عزم ہے تو ہم پولیٹیکل ورکرز کی طاقت ہماری اہمیت وہی لوگ سمجھ سکتے کہ جو پولیٹکس کرنا جانتے ہیں پولیٹکس ہے کیا پولیٹکس وہ چیز ہے جو عوامی مسائل کے اوپر آپ کے ایشوز اگر آئیں اور وہ آپ ریزولو کریں یا ان کی بات کریں تو یہ پولیٹکس کہلاتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ساتھی ہیں یہ نہیں کہ میں انیس بھائی کے ساتھ آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں چاہے وہ بہادر آباد کے ساتھی ہوں یا پی آئی بی کے ساتھی ہوں اکثر کے ساتھ جب میری گفتگو ہوتی تھی جب سے انیس بھائی اور مصطفیٰ بھائی آئے تھے تو میں نے ہمیشہ سے ایک بات کہی تھی کہ انیس بھائی کی میں عزت کرتا ہوں کرتا تھا کرتا رہوں گا یہ بات تمام لوگ گواہ ہیں اس بات کے اور اس کی وجوہات تھی کہ دیکھیں کیوں عزت کرتے ہیں تمام لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت ملتی ہے اونرشپ ملتی ہے آپ کو آپ ابھی ہم نے کیا دیکھا جب جتنے ساتھی یہاں پر موجود تھے کہ 22 کے بعد ایم کیو ایم بچانے کی کوشش کرتے جی مہاجر قوم کو بچانے کی کوشش کرتے تمام ساتھی تمام قوم ہم سب دوبارہ سے ایک جگہ بیٹھے اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہمارے مرکزی اور رابطہ کمیٹی کے اراکین وہ ایم کیو ایم کے ایشوز کے اوپر ایم کیو ایم کے لاپتہ ساتھیوں کے اوپر ایم کیو ایم کے شہدا کی فیملیز کے اوپر اسیروں کے اوپر یا عوامی ایشوز کے اوپر کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بنا کے اور اس تنظیم کو مضبوط کر دیں گے
लेकिन आगे वक्त चलता गया और आपके सामने सारी चीज़ें आती गईं, इस उम्मीद पे थे कि एक अच्छी एमकेएम बन जाएगी, एक अच्छे लोग जमा हो जाएंगे, इस उम्मीद के साथ हम सब चलते रहे। फिर ये 5 फरवरी वाला वाक़ आया, फिर एक उम्मीद हुई कि चले हो सकता है कि हम बादराबाद या पीआईबी के अलग अलग इश्यूज़ हों, क्योंकि इस वक्त तो मेरे पास जो साथी मेरे साथ आए हैं, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि मैं उनके साथ आया हूँ, कुछ साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे भी कायल किया, ये नहीं कि ये मेरे साथ मेरे हमनवा बन के आ गए, नहीं ऐसा नहीं है, ये तमाम समझदार साथी हैं, इनमें से बहुत से लोगों ने मुझे भी कन्विंस किया है और हम सब यहाँ पर बैठे और बैठने के बाद फिर हमने फैसला किया कि चलें फौरी तौर पर हम रब्ता करके और पीएसपी की तरफ जाते हैं और रनीश भाई से रब्ता करते हैं और रब्ता करा और फिर हम यहाँ पर मौजूद यहाँ पर आए। वहाँ पर इशू क्या था, दिल किस पे दुखा, देखिए ये वहाँ पर बैठे हुए साथी चाहे वो भादराबाद से हों या पीआईबी से हों, हमने कोशिश करी कि जनाब किसी तरीके से दोनों एक हो जाएं, नहीं हो पाया। हमने कोशिश करी कि हमारे मोहतरम फारूक सत्तार भाई को हम मजबूत करें, बिल्कुल उनके साथ खड़े थे और उनको मजबूत करने के लिए उनके साथ जो भी हुआ भादराबाद की राबता कमेटी ने किया, बिल्कुल मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि उनको गलत तरीके से निकाला। अच्छा ये बात मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जब मैं यहाँ पर मौजूद यहाँ पर आया तो आके मैंने अनीस भाई से एक सवाल किया कि वो किस पॉइंट पे बात करनी है, कोई पर्चा मैं समझा शायद कोई दिया जाएगा, कोई पॉइंट दिए जाएंगे। अनीस भाई ने कहा बेटा जो तुम्हारे जहन में है, जो तुम्हारे दिल में है, बात करना, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो जो मेरे दिल में आ रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरे पास कोई एजेंडा ना लिखा हुआ है ना कोई ऐसी चीज़ है। तो बहरहाल वो हमने इस उम्मीद के साथ वहाँ पर काम को शुरू किया, लेकिन वहाँ पर इश्यूज़ जब चलते गए आगे चलते गए मामला, तो वहाँ पर जिस तरीके से हमारी माओ बहनों का एक वक्त ये था कि एमकेएम के जलसे के अंदर या एमकेएम की कॉर्नर मीटिंग के अंदर या एमकेएम के यूनिट ऑफिस के पास सेक्टर ऑफिस के पास से कोई खातून या कोई बहन गुजरती थी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आँख उठा के देख ले। आज हमारे जिम्मेदारान हमारी खवातीन को डिस्कस ना सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बल्कि इन अल्फाजों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अपने घरों के अंदर भी जवाब देना मुश्किल हो रहा था। हमारे इश्यूज़ क्या हैं, पेशाब होने सरबराही का इशू है, हमारे पास ये इशू है कि केएमसी के अंदर पैसों के मामलात की बंदरबाट किस तरह होनी है, डीएमसी की किस तरह होनी है। फिर सवाल ये पैदा होगा, अब सवाल ये किया जाएगा कि मुजम्मिल भाई आज आप ये बात क्यों कर रहे हैं, तो जो लोग इस वक्त भादराबाद की भी राबता कमेटी में और पीआईबी की भी राबता कमेटी में, वो तमाम लोग गवाह हैं इस बात से कि मैंने हर इशू के ऊपर पिछले 10 महीने से हर छोटे बड़े करप्शन का इशू हो या दीगर इशू हो उसकी तफसील फिर मैं जब सड़क पर हम निकलेंगे इंशाल्लाह तो वो भी आपको बताएंगे, आगाह किया कि ये नहीं होना चाहिए। दिन गुजरते गए बहरहाल ये तमाम की चीज़ें देखते हुए लगता नहीं है कि हम आगे चल के एमकेएम के साथ जुड़ते हैं, एमकेएम के साथ काम कर पाते। यही वजह है कि बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, सब बैठे, बैठने के बाद फिर ये फैसला किया कि हम फौरी तौर पर पीएसपी को ज्वाइन कर लें। फिर बहुत से लोगों ने ये मशवरा दिया, अभी आते वक्त भी और फ़ोन भी आए, बहुत से लोगों के पास आए कि जनाब ये बड़ा घाटे का सौदा आप लोग कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप लोगों को कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, पीएसपी फारिग हो जाएगी, आप भी फारिग हो जाएंगे। चलो जी घाटे का सौदा है, हम कर रहे हैं ना, ये मेरी ज़ात के लिए, मेरे साथ आए हुए मेरे सीनियर साथियों के लिए जो मुझसे भी सीनियर हैं, उन तमाम लोगों की ज़ात का तो ये नुकसान का सौदा हो सकता है, लेकिन इस बात पर यकीन रखें और ये हमारा यकीन है, ये इस कौम का, ये कराची के लिए, सूबे के लिए और पाकिस्तान के लिए आप देखिएगा ये फ़ायदा मंद साबित होगा। शायद हमारी ज़ात के लिए फ़ायदा मंद ना हो, लेकिन हमारा हम सबका आना इस कौम के लिए, बिलखसूस महाजिर कौम के लिए, बशमूल तमाम कम्युनिटी के लिए, सब के लिए अगर कोई जगह है तो ये बिल्कुल क्लियर मैं आपको कह दूं कि ये तमाम के तमाम यहाँ पर आए। अगर आप लोग समझते हैं कि ये फैसला, ये इकदाम, बल्कि मैं तो समझने से आगे की एक बात करूँगा कि आप तमाम साथियों को जिन लोगों ने अभी मुझसे फ़ोन पर रापा भी किया, जो कन्फ्यूज भी हैं, आप लोग सोचें समझें, यहाँ पर कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं मुझसे ना किया गया, ना मेरे साथियों से किसी से कोई सवाल ना कोई जवाब, कि बस आएं और आके काम शुरू करें, लोगों के लिए खिदमत शुरू करें। कराची की आवाम वैसी पिसी हुई है, बहुत से इश्यूज़ अनीस भाई ने जिक्र किया, हमें असेंबलियों के अंदर, हमें सूबाई असेंबली के अंदर, हमें सेनेट के अंदर इन तमाम इश्यूज़ को लेके जाना है। हम उनको उस सूरत में लेके जाएं कि जब हम फारिग होते इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर कि एजेंडा क्या है जी आगे की राबता कमेटी के मर्जर का, तो वो हम उसी काम में लगे रहते। कोई साथी ऐसे हैं कि जिनको गए फारूक भाई वहाँ पर जी, किसी के भी मशवरे पे चले गए भादराबाद, तो वहाँ पे कौन सा फारूक भाई आपको जो है वो
इज्जत मिल गई। तो ये फारूक भाई को भी सोचना चाहिए कि इज्जत कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। हम उन पर खैरख्वाह हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए मैंने कभी इनके मुंह से ये नहीं सुना कि फारूक भाई के लिए कोई गलत अल्फाज अदा करे। तो मेरी दरख्वास्त तो फारूक भाई से भी है, बशमूल फारूक भाई के, खालिद भाई के और जितने भी साथी हैं, वो तमाम के तमाम खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ जगह देखे PSP में ही आने की है। घर बैठ जाएंगे, घर बैठना हल नहीं है। मुझे भी बहुत से साथियों ने बोला, बड़े बड़े जिम्मेदारों ने बोला कि आपको इख्तलाफ था आप घर बैठ जाते। भाई घर क्यों बैठ जाऊँ मैं पॉलिटिकल वर्क करूँ, मैं पॉलिटिकल वर्क करूँगा, मैं घर बैठ के क्यों अपने आप को या अपनी पूरी जो मैंने काम किया है, लोगों से मेरी कमिटमेंट है। और एक बात और, हम समेत जितने भी लोग हैं उन सब ने पहले अपने घर वालों से मशवरा किया, अपने घर वालों को बताया, अपने मोहल्ले वालों को बताया। अगर मैं जिस हलके से मुंतखब हुआ हूँ तो मैंने अपने हलके के बहुत से बुज़ुर्गों को, बहुत से टीचर्स को, प्रोफेसर्स को जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उनको मैंने उनसे मशवरा किया है, उन्होंने गो अहेड दिया है, तो फिर मैंने जाके ये रब्ता किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इशारा अल्लाह ताला की तरफ से आए। अब लोग बोलेंगे ईमान जाग गया, ज़मीर जाग गया, अरे जो आपका काम है आप करते रहें, इंशाल्लाह ताला कल से आप देखिए, कल से नहीं बल्कि आज से जो हमारा काम है सड़कों पर हम करेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपके जरिए भी जिस तरह झोली में आम गिरे मुस्तफा भाई, कहता हूँ दो दिन और स्टे करें वहाँ पर। और जहाँ तक झंडे की बात है तो मैं तो यही दावा करूँगा पूरा कराची मेरे पास है, लेकिन इंशाल्लाह 2018 का इलेक्शन बताएगा कि कितने परसेंट है। मेरा दावा हो सकता है, लेकिन मेरा दावा तो पूरे कराची पर है, मेरा दावा तो अब सिंध पर है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था इंशाल्लाह 2018 का इलेक्शन पाक सरजमीन पार्टी का होगा, या तो पाक सरजमीन पार्टी का CM होगा या उसका हिमायत याफ्ता होगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद यही रखनी चाहिए। और मैं फिर फारूक भाई को कहता हूँ, फारूक भाई मैं आपको दावत देता हूँ, पतंग से रोमांस ना करें, इंसानों से रोमांस करें, हमसे रोमांस करें। हम और आपने 35 साल गुजारे हैं, पतंग से ना करें, MQM से ना करें, ये सारे आपके भाई हैं, सारे साथी हैं, आए हमारे साथ खड़े हो जाएं। खालिद भाई को कहता हूँ, मैं सिर्फ फारूक भाई को नहीं खालिद भाई को कहता हूँ, तमाम PIB और बहादराबाद के लोगों को कहता हूँ, कराची वाले बड़े परेशान हैं, जख्म खुर्दा हैं, आए मिलकर पाक सरजमीन पार्टी के परचम तले मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में एक जद्दोजहद करते हैं, और कराची वालों के लिए नहीं, पूरे सिंध वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान वालों के लिए अमली इकदाम करते हैं और कराची को अच्छा बनाते हैं, सिंध को अच्छा बनाते हैं। हमारे यहाँ तो मसबत मसबत माइनस है ही नहीं, हमारे यहाँ हम तो जोड़ने आए, तोड़ने आए नहीं हैं। मैंने तो आपके ज़रिए सबको दावत दी, हमारे यहाँ माइनस का मसला नहीं, हमारे यहाँ तो प्लस का मसला है सारा का सारा। इंशाल्लाह आप देखें प्लस प्लस होते चले जाएंगे। नहीं, वो तो आप चाहते हैं, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैं तो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आज तंबीह की है उनको, अगर वो अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो पहली दफ़ा उनसे मुलाकातें करेंगे हमारे लोग, अगर वो अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम अवामी एहतजाज करेंगे। कराची वालों को ऐसा नहीं है कि सर्दी में गैस ना हो और गर्मियों में लाइट ना हो, ऐसा नहीं होगा, हम कराची वालों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। इस पर चांदा, इस पर एक चीज़ और कि माजी में भी KE इलेक्ट्रिक ने इस शहर के लोगों का माशी इस्तेहसाल किया और कत्लेआम किया और हज़ारों की तादाद में लोगों को बेरोज़गार किया था, और एक बार फिर ये तलात आ रही है कि वो हज़ारों की तादाद में शहर के रहने वालों को, मैं किसी जबान की बुनियाद से बात नहीं कर रहे, शहर के रहने वालों को KE इलेक्ट्रिक की नौकरी से बेदखल करने की कोशिशें कर रहे हैं और साजिश तैयार है। तो मैं उनको इस प्लेटफॉर्म से इंतबाह करता हूँ कि वो अपनी इस साजिश से बाज रहें, और जहाँ वो ये सब कुछ 9-9 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ जिन लोगों ने आपको 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल सर्व किया, उनको यह जुम्बेश कलम निकालने की साजिश से गुरेज करें और मेरिट पे फैसले करें। ये मैं KE इलेक्ट्रिक इंतजामिया से दरख्वास्त कर चुका हूँ। ये पार्टी का फैसला होगा, मेरा या मुस्तफ़ा कमाल या मेरे नहीं, बाकायदा एक पार्लिमानी बोर्ड होगा और जो मेरिट पे होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। ये शख्सियतों की बात नहीं है, और ये तो मैंने तो दोनों सरबराह की बात की, अब देखते हैं वो अपनी टीम में किस किस को लेकर आते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें तो वैसे भी वो कहते हैं ड्राई क्लीन्स वगैरह कहते हैं, हमें तो जितने भी गंदे उनको साफ़ करने का बड़ा शौक है इंशाल्लाह, तो जो गंदे भी आएंगे उनको साफ़ कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, मैं आपके ज़रिए रहूँ भाई को शादी की ज़बरदस्त मुबारकबाद देता हूँ, नई ख्वाहिशात देता हूँ, इंसान की उन्होंने एक अच्छा काम किया, सुन्नत रसूल पूरी की है। मैं आपके ज़रिए, अभी आपने बात की है तो मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, रेंजर्स को, पुलिस को, असास इदारों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कराची में जिस तरह PSL का फाइनल हुआ और बकिया 3 मैच हुए, मैं तमाम अहलियाने कराची को मुबारकबाद देता हूँ और उन सबको देता हूँ, और दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आइंदा इस तरह भी ना हो, नॉर्मल हो, ताकि लोगों को भी ट्रैफिक में परेशानी ना हो, दीगर जगहों पर भी ट्रैफिक ना हो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हैदराबाद में भी कराएं, सखर में भी कराएं, मीरपुर खास में भी कराएं, फैसलाबाद में भी कराएं, और पाकिस्तान और कराची की तरह जिस तरह यहाँ टूर्नामेंट मैच हुए इसी तरह पूरे पाकिस्तान भर में।